तो फिलहाल हम लोग अभी गंगा से गंगा जल ले जा रहे हैं नंगे पांव घर, क्योंकि यहाँ लोहंडा या खरना का प्रसाद बनेगा इस जल से। तो यहाँ पर खरना का प्रसाद बनने के लिए शुरू हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो खरना का प्रसाद बना जा रहा है। तो फाइनली जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब तक आप लोग देखो यहाँ पर आराम से सब कुछ बनाया जा रहा है जो प्रसाद है। फिलहाल यहाँ हम भी हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है, तो हम बिल्कुल साइड खड़े हुए हैं क्योंकि साइड बोली है दादी रहने के लिए। तो खरना का जो प्रसाद होता है अभी फाइनली बन चुका है, तो आप लोग देख सकते हो जो खरना का प्रसाद है वो बन के तैयार हो गया है। तो हम लोग यहाँ से अब आगे देखेंगे, और खरना भी बेसिकली हो चुका है, तो आप लोग को दिखाएंगे कि खरना यहाँ पर हो गया है। तो आप लोग को पहले प्रसाद दिखा देते हैं कि क्या क्या प्रसाद में बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खरना जो है दादी हमारी कर चुकी है और यहाँ से चली गई है, मतलब बगल में ही है, लेकिन मैं यहाँ पर बगल साइड से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को दिखा, तो आज संध्या अर्घ का टाइम है, तो आप लोग देख सकते हो संध्या अर्घ का जो प्रसाद होता है, जो फर्स्ट अर्घ जो होती है शाम की, उसके लिए प्रसाद जो बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो सर यहाँ पर प्रिपरेशन और यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है, मैं साइड होकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा आप लोग देख सकते हो डिटेल में सारा चीज़ इस बार कवर किया हो कि किस तरह प्रसाद बनाया जाता है या किस तरह सारा चीज़ होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी बुआ है, मेरी आंटी है जो बना रही है प्रसाद, और दादी बगल में बैठी हुई है, तो आपको भी दिखा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो प्रसाद किस तरह बनाया। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आज संध्या अर्घ के लिए गंगा घाट जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे दिखाया था कि काफ़ी ज़्यादा शोर होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह बज रही है और काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट वगैरह की शोर ही हो रही है। तो हम लोग चलते हैं गंगा घाट आपको दिखाते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर मैं हूँ और मेरे दो भाई हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो सब एक ही ओर जा रहे हैं ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाती है एक टाइम पर, कि सब एक ही ओर जाते हैं गंगा घाट की ओर, तो इसलिए भीड़ हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं गंगा घाट की ओर। दे दिए हैं।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो संध्या रखा और गंगा घाट का नेचुरल ब्यूटी ऑफ स्काई देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग देख सकते हो आपके सामने दिख रही होगी और थोड़ा थोड़ा डाउन होगी लाइट लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है गाइस, तो आप लोग देख लेना। और यही तो इमोशन है बिहार का ये छठ पर्व महापर्व। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं क्योंकि संध्या अर्घ हो चुकी है हम लोग की और घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे साथ कितने लोग घर की ओर जा रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है कि एक टाइम पे सब घाट की ओर जाती है और एक टाइम पर सब घर की ओर जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर, अब सवेरे मॉर्निंग केयर के आते हैं। हमारी जो सुबह का अर्घ है वो हो चुकी है और हम लोग ना बोट पे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को वाइड एंगल फुटेज पूरा लेना है, तो हम लोग को पूरा फैमिली जो है ना बोट पर बुलाया जा रहा है, तो हम लोग जो मैं बैठा हूँ बोट पे और चलते हैं बोट पे और दिखाते हैं आपको कि जो घाट होती है जो साइड से जो बोट से कैसी दिखती है बगल से पूरा, तो चलिए दिखाते हैं आपको। फाइनली अभी हम उतर गए हैं, हम लोग सब नाव पर से सब उतर रहे हैं, सारा फैमिली लोग हम लोग का जो है गए थे। तो आज छठ पूजा का आखिरी दिन है गाइस, तो आज से छठ पूजा खत्म, अब चलते हैं घर की ओर, मिलते हैं इसी नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।